हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की वीडियो है टेक सीरीज़ में। मैं जानता हूँ बहुत दिनों बाद ये सीरीज़ में वीडियो आ रही है, बट आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज की वीडियो में ना कोई अनबॉक्सिंग है, ना कोई IoT डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग है, ना कोई रिव्यू वगैरह है। लेकिन उससे पहले आज है 26 जनवरी और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। और उससे ही बड़ा दिन है आज गेमर्स के लिए, जो कि इंतजार कर रहे थे फौजी गेम का, जो कि यस गैस रिलीज हो चुका है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है अभी। बट यहाँ एक कैच है कि ये iOS पे अवेलेबल नहीं है। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे नोटिफाई किया था कि ये वहाँ पे नहीं अवेलेबल है अभी तक, तो मुझे उसके बारे में कोई अपडेट नहीं पता, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन प्ले स्टोर पर जो मैंने अपडेट था इंस्टॉल करने का, वो आ गया है और नोटिफिकेशन मुझे मिला। प्री रजिस्टर किया हुआ था मैंने और कल से ही प्री रजिस्ट्रेशन सारे के लिए स्टार्ट हो गया था, जिनके मोबाइल में एंड्रॉयड 8 से ज़्यादा के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो लगभग 4 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन हो चुके थे 1 वीक पहले मैंने देखा था, और पता नहीं कल तक तो कितने हो गए होंगे। और आज सारा कुछ अवेलेबल है, तो हम देखेंगे इसी वीडियो में इसका गेम प्ले कैसा है, इसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, लुक क्या है, फीचर्स, आने वाले फीचर्स और बाकी सब जानते हैं वीडियो में। तो आगे वीडियो में चलते हैं, इसको कैमरा को स्विच करते हैं और देखते हैं इसका गेम प्ले। तो ये है दोस्तों फौजी का ऐप प्ले स्टोर पर जो अवेलेबल है, और मैंने इसको कर लिया है इंस्टॉल। ये था मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, मे भी सारे सिस्टम में हो सकता है, ये था 460 MB का और फौजी अर्ली एक्सेस रिलीज हो चुका है। और यहाँ मैंने यह करता हूँ मैं इसको ओपन, और चलिए देखते हैं कैसा है इसका गेम प्ले। तो एनकोड गेमिंग टीम ने डेवलप किया इसको, और फौजी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। मैंने ज़्यादा अभी तक प्ले नहीं किया, लेकिन जो भी किया है मुझे मोर देन एक्सपेक्टेड है ये। बहुत जो कि बोल रहे थे कि बहुत ही ख़राब ग्राफिक्स होने वाला है, इसका वैसा नहीं है। तो मैं थोड़ी इसको आवाज़ को कम करता हूँ गेम की, और करता हूँ पहले तो देखते हैं हम इसमें क्या है। ये है इसका होम स्क्रीन, जो इसको डैशबोर्ड बोलते हैं हम, किसी भी सिस्टम के जो फर्स्ट स्क्रीन पे आता है। और यहाँ पे मैंने नाम वगैरह सेट कर लिया अपना, रैंक 1 है, ऑनर रोड वगैरह है, स्टोर में देखते हैं क्या है। और यहाँ हमें अलग अलग वेपन मिल जाएंगे, हैंड हेल्ड वेपन है, मशीनरी नहीं है ये सब। मैं थोड़ा और कम करता हूँ इसकी वॉइस को। तो ये सारे हैंड हेल्ड वेपन है। अभी तक इन्होंने पहले ही अपडेट दिया था कि वेपन्स बाद में आएंगे, मीन्स मशीनरी गन्स वगैरह, लेकिन ये जो हैंड हेल्ड वेपन्स है आप देख सकते हैं एक्स वगैरह हैं, जो कि हैंड हेल्ड फाइट में काम आते हैं। और ये कुछ स्किन्स हैं, तो ये सब पता चलेगा बाद में। ये अभी फ़िलहाल ये हमें प्री ओन्ड मिलता है स्क्रीन, और ये 9000 पर्क्स लगेंगे इसमें, 2000 पर्क्स अलग अलग हैं, तो उसमें पता चलेगा। और फिर हमें यहाँ आर्सेनल है, लोड आउट में देखते हैं क्या मिलता है। तो लोड आउट में भी वही है, मशीन्स नहीं, वेपन्स वगैरह हैं, हैंडल वेपन्स। टोकन्स में ये देखिए, जो हमें इन्होंने इनका जो मेन मोटिव है, इनिशिएटिव है भारत के वीर, जो इसमें जो इनके अर्निंग्स चाहेंगे, जो हम इसमें परचेस करेंगे, ये सारे अभी तो 6 ही हैं फिलहाल, और जो भी है उसके 20% ऑफ द प्रोसीड्स विल बी कंट्रीब्यूटेड टू भारत के वीर जवान। तो सारे ये जवान को जाएंगे, जो 20% इनका अर्निंग्स होगा उसको। तो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है और बहुत ही स्मूथ गेम प्ले मुझे लग रहा है ये। एक काम करता हूँ मैं, एक बैक करके इसको गेम प्ले दिखाता हूँ। तो अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जैसे पबजी वगैरह में था। तो आपको याद दिला दूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से पबजी खेलते होंगे तो उसमें भी ज़्यादा कुछ स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में वो बहुत इतना बड़ा गेम बन गया। लेकिन ये भी वैसा सेम ही है लगभग, इसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है अभी तक। और हम जाते हैं फिलहाल बेस पे, स्टोर हमने देख लिया, प्ले में जाएंगे तो हम प्ले कर सकते हैं, सेटिंग्स वगैरह में देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने ये जब मैं खेल रहा था तो मीडियम सेटिंग्स पे था, अभी मैं इसको हाई अल्ट्रा हाई तक ले जा सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्ट्रा हाई तक ये जा रहा है, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ ग्राफिक्स वगैरह में मिल जाएंगे हमें ये, जो कि वेरी लो से स्टार्ट होता है और अल्ट्रा तक जाता है। और इधर ऑडियो में हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, बैकग्राउंड वॉल्यूम मिल जाएगा, सेंसिटिविटी में ये सब है कुछ, ये प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह है, टर्म्स ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स, मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। और यहाँ हम सेव और रिसेट कर सकते हैं, तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, तो उसमें मैं डायरेक्ट बैक करता हूँ और इसको थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस को और लो करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, तो ये है गेम प्ले इसका। इधर में देखते हैं क्या मिलता है, तो वही है जो मैंने पहले दिखाया था आपको।
सेटिंग्स स्टोर में जाके भारत के भी 20% वाला कंट्रीब्यूशन सिस्टम है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बात है ये। फिर मैं बेस पे जाता हूँ और इधर पर्क्स वगैरह मैंने कितने गेन किए हैं ये सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। और इधर प्रोफाइल है तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है अभी, तो मैं डायरेक्ट प्ले स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ तो आपको एक्चुअल जो ग्राफिक्स वगैरह है उससे पता चलेगा आपको। स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट और मैं करता हूँ यहाँ पे इसको प्ले। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, एक तो कैंपेन है हमारे पास मोड, और जो दो मोड है वो कमिंग सून में है, मतलब बहुत ही जल्द आने वाला है। और जो दूसरा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि है टीम डेथ मैच का, जो कि हमें पबजी में भी बाद में मिला था और ये बहुत ही पॉपुलर था पबजी में और भी बाकी गेमों में जैसे COD वगैरह में, फ्री फायर वगैरह में। और ये कमिंग सून एक अलग है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला वो फ्री फॉर ऑल एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, जो थर्ड वाला है वो अलग ही है। तो हमें अभी सिर्फ एक ही मोड अनलॉक मिलता है जो कि है कैंपेन का। तो लेट्स स्टार्ट इट और ये देखिए आप। 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान। ये मैंने माइक लगा रखा है इसीलिए इसमें आपको आवाज नहीं जा रही होगी, लेकिन ये कुछ बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ जो नीचे इंग्लिश सबटाइटल में लिखा है वो हिंदी में वहाँ पे डिक्टेट करते हैं और बहुत ही सही है। मैं स्किप करता हूँ इसको और ये हो रहा है अभी लोड और यू मस्ट बी एक्साइटेड। और ये देखिए गाइस पहला गेम प्ले इसका। मैंने ये तो दूसरी बार खेल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो पहली बार में मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था वो मोर देन द एवरेज है, बहुत ही अच्छा गेम प्ले और स्मूथ है फिलहाल तो। और ये अभी 460 MB का ये तो लगभग जो लो एंड डिवाइसेस है उसमें भी बिना कोई परेशानी के चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये आ गया एनिमी हमारे पास और हमें वेपन वगैरह हैं और अभी तो फिलहाल वेपन नहीं है तो हाथ से ही हमें फाइट करना पड़ेगा। तो ये देखिए पीछे से जो रेड हुआ ये मतलब वो आप मारने के तैयारी में, तो हम यहाँ डिफेंड भी कर सकते हैं इससे। ये अब हमें मारने की करते हैं और एक हो गया एनिमी डेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, न्यू गेम है तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होगा। और ये हो गया हमने लूज़ कर दिया इसको। तो इधर ये कैंपेन मोड है तो मैं बता दूँ मल्टीप्लेयर नहीं है कि आप अपने दोस्तों की जैसे पबजी में था वैसा खेल सके, तो इसको आपको ऐसे ही खेलना पड़ेगा फिलहाल तो। जब मे बी टीम डेथ में चाहेगा तो सही आपको मल्टीप्लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये मेरा सेकेंड लेवल है इसीलिए इसमें ज़्यादा इनमी आ रहे हैं। फाइट देन और जो रेड ग्लो होता है मीन्स वो पीछे से हमला करने वाला है और ऑब्वियसली इंडियन आर्मी तो सामने से हमला कर वार करती है पीछे से नहीं, तो ये हमने इनको कर दिया ख़त्म। और एनिमेशन वगैरह बहुत ही क्लियर है, मैं थोड़ा इसको ब्राइटनेस और ये करता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये जो है ये है, यहाँ पे आप रीगेन कर सकते अपने हेल्थ को और ये देखिए। और इससे आपका जो ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे ये रीगेन हो रहा है। अब यहाँ हो गया रीगेन, जैसे हम वहाँ हेल्थ किट लेते थे यहाँ पे ऐसे हम रीगेन कर सकते हैं। और अंदर देखने कुछ मिलता है कि नहीं, फिलहाल तो नहीं है कुछ, बट अगर ये गैज पॉपुलर हो गया गेम पबजी की तरह तो ये बहुत ही आगे तक जाएगा और बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। I'm not talking about कि PUBG खराब था या फिर ये अच्छा, बट दोनों अलग अलग ही गेम है तो वी शुडंट कंपेयर इट, दोनों की बात अलग है। ये कैंपेन मोड में था, ये पहले ही बता दिया था कि हमने PUBG को इमिटेट नहीं किया है, तो एक अच्छी बात है कि किसी को कॉपी करके हम नहीं कुछ बना रहे हैं। बट हाँ, अगर हम उससे कुछ गेम प्ले ले रहे हैं तो अच्छी बात है वो भी।
कि हमें पूरा कॉपी नहीं बट मिक्सअप करके चलना चाहिए। और यहाँ एनिमीज वगैरह कुछ ज़्यादा ही आगे, मुझे नहीं लगा था इतना होगा हार्ड, वो भी सेकंड लेवल में। तो लेट्स सी, ये कंक्लूड। मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं, कर सकते हैं तो हो जाए एनर्जीज वगैरह को। तो यहाँ पे हम बैठे कर लेते हैं फिर से, और यहाँ कुछ टाइमिंग चल रहा है। तो मैंने अभी भी दूसरा ही मेरा गेम है, मैंने दूसरी बार ही खेल रहा हूँ, पता नहीं ये टाइमिंग के बाद क्या होने वाला है, बट जो भी है खेलते खेलते पता चलेगा। और ये एक चीज़ अच्छी लगी कि अभी तक फ़िलहाल स्टार्टिंग में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये देखते हैं क्या है, ये तो कुछ है नहीं। वो सामने आप देख पा रहे हैं एनिमीज़ हैं, तो वो जो सामने आपको दिख रहा है 85 मीटर पे, ये उसके उनकी लोकेशन बता रहा हूँ। बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं, ये देखिए आगे फाइट देम। मुझे लगता है ये ऐसे ही है, जितने हम एनिमीज को डिफीट करेंगे उसके हिसाब से हमें मेडल और ऑनर मिलेगा, जो बैज होता है वो मिलेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं जो बना हुआ है ये। उसके बाद आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता होगा जो गेम डेवलपर उसको छोड़ के। तो ये देखिए ये मेरे भी ग्लिच हो गया है यहाँ पे, हाँ ये ग्लिच हो गया है इसको, नए में तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस गेम। तुम कायरों ने मेरे आदमियों को कहाँ छिपा रखा है? डिफीट एनिमी ने कर दिया हमें डिफीट। तो ये गैस इतना भी इजी नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। तो अब तो धीरे धीरे चलने के बाद ही पता चलेगा क्या है आगे गेम प्ले में, बट आगे मिशन वगैरह में क्या है नहीं पता। लेकिन ये गेम प्ले था, ज़्यादा यूज तो नहीं करते हम आगे, फिर ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और इसको रुकते हैं पे। और होप यू लाइक दिस वीडियो, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक इट, कमेंट कीजिए, बताइए क्या सजेशंस और आपके ओपिनियन से इस गेम के बारे में, और एनकोर गेम जो डेवलपर्स हैं उनको आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे। ओके बाय, हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। Goodbye.